मुद्दे पे संसद में चर्चा हो चुकी है और अब सब कुछ सामान्य है, तो फिर से उस मुद्दे को क्यों कुरेदना? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से मणिपुर के मुद्दे से भागती रही है। चाहे मणिपुर 3 महीने हो गए, 3 महीने में भी अभी स्थितियां सामान्य नहीं हुई। 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी केवल भाग रही है मणिपुर में। सदन के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को जब अविश्वास प्रस्ताव ला करके मजबूर कर दिया, तब जाकर के 2 घंटे में केवल 2 मिनट उनकी जुबान जो है वो मणिपुर के लोगों के लिए खुली। तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द है, क्योंकि पूरा देश इस बात से गुस्से में है कि आखिर मणिपुर में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को इस तरह से मरने के लिए, कटने के लिए क्यों छोड़ दिया। आज इस मुद्दे पे यहाँ पे चर्चा होगी, सीएम अरविंद केजरीवाल भी बोलेंगे, बीजेपी का ही कहना है कि हम उसका विरोध करेंगे, या मिसयूज कर रहे हैं? तो विरोध करेंगे, उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जब उनके प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे थे, संसद में घुसे ही नहीं वो, अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता तो शायद प्रधानमंत्री जी संसद में बोलते भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी तो विरोध क्या, भारतीय जनता पार्टी के राज में ही तो सब कुछ हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि पुनर्विचार करना चाहिए, और इस तरह से भाजपा भाग नहीं सकती जिम्मेदारियों से। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है। आप क्योंकि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के